सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. दैट मींस वी विल बी डिस्कसिंग बेसिकली द केमिकल प्रॉपर्टीज और द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज. ठीक. इनफैक्ट हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इसके स्ट्रक्चर के बारे में और उस स्ट्रक्चर को कैसे मतलब एलुसिडेट किया गया था, किन रिएक्शंस के बेसिस पे बताया गया था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर है. तो जो रिएक्शंस उसमें हमने दिखाई थी वही रिएक्शंस बेसिकली ग्लूकोज शो करता है. इन एडिशन टू दोज रिएक्शंस हम एक और दो रिएक्शंस एक या दो रिएक्शंस एक्स्ट्रा में देखेंगे यहाँ पे जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड होंगी. ठीक. तो अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज के बारे में, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है दैट इज कि ग्लूकोज जो है वो रिएक्शन करता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड. ठीक. तो हमने बताया था कि अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वो HCl के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बना देता है. ठीक. सो जब भी ग्लूकोज की रिएक्शन HCl के साथ होगी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, विल से दिस रिएक्शन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन. इनफैक्ट विल कॉल इट एज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन. Glucose cyanohydrin. Okay, so if you show the reaction, we can simply write the formula of glucose or the structure of glucose. Glucose ka structure hota hai C double bond OH, aldehyde group present hota hai, and it has CH OH. Secondary alkali groups kitne hote hain, char, single bond CH2OH. ठीक. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो व्हेन आई ट्रीट ग्लूकोज विद हाइड्रोजन साइनाइड HCl, तो हमने क्या बताया था, वी नो दैट कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट कार्बन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा. ठीक. तो यहां पे हाइड्रोजन साइनाइड में इट विल ब्रेक टू फॉर्म H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक. तो साइनाइड आयन बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक ऑन द न्यूक्लियोफिलिक साइट. ठीक. न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के ऊपर ये अटैक कर देगा और जब ये अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे. ठीक. सो हमारा जो प्रोडक्ट होगा द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, यू विल गेट C. ठीक. C यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इसके साथ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा टू सिंगल बॉन्ड, इट विल बिकम ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव को ले लेगा, दैट मींस यू हैव OH और इसके ऊपर सी एन ग्रुप लिंक हो जाएगा. ठीक. तो बाकी जो होगा स्ट्रक्चर वो सेम रहेगा, सी एच ओ एच होल फोर सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच. ठीक. सो दिस स्पीशीज इज व्हाट वी कॉल एज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन. ठीक. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है. फाइन. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन विच ग्लूकोज शोज. ठीक. सो नंबर सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन विद हाइड्रोक्सिल अमीन और हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन. ठीक. हाइड्रोक्सिल एमाइन क्या होता है, इट इज NH2OH. ठीक. सो हमने बताया था जब भी एल्डिहाइडिक ग्रुप्स NH2OH के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑक्साइन. ठीक. सो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्साइन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्साइन. फाइन. ठीक. सो रिएक्शन कैसे होगी, will again show C double bond OH, aldehyde group, then CH OH whole 4 CH2OH. This is our glucose. We will treat this glucose with NH2OH. NH2OH को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, NH2OH. ठीक. सो हमने क्या बताया था क्या होता है, ये ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन्स के साथ बाहर चला जाता है, माइनस एच टू वाटर बाहर चला जाएगा. सो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाएगा. ठीक. तो प्रोडक्ट हमारा जो होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, सी एच डबल बॉन्ड एन इसके साथ बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड ओ एच. ठीक. इस ग्रुप को हम ऑक्साइन का नाम देते हैं. ठीक. बाकी स्ट्रक्चर ग्लूकोज का सेम रहेगा, सी एच ओ एच होल फोर सिंगल बॉन्ड ओ एच.
सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक, सो वी विल कॉल दिस स्पीशीज एज ग्लूकोज ऑक्साइड, दिस इज ग्लूकोज ऑक्साइड, ठीक। नंबर थर्ड, तीसरी रिएक्शन, नंबर थर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिडक्शन, ठीक। सो रिडक्शन के लिए हमने दो रिएक्शंस पढ़ी थी, नंबर वन इज रिएक्शन विद सोडियम एमलगम एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो क्या होता है इसमें, ग्लूकोज CHO CH OH, all for CH2OH, this is glucose. When we reduce glucose in presence of sodium amalgam mixture, ठीक, तो वहां पे क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक। तो जब ये रिड्यूस होगा, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है हमें, we will get, हमें क्या मिलेगा, we'll be getting basically hexahydric alcohol, जिसमें हमने बताया था कि aldehyde group is reduced to OH, already इसमें 5 OH groups है, ठीक है। So we'll be basically getting CH2OH, CHO will get converted to CH2OH, it will be reduced, and you have CHOH 4 times single bond CH2OH, ठीक। So you are actually getting hexahydric alcohol by the reduction of glucose, ठीक, and this hexahydric alcohol is known as sorbitol, ठीक, तो इसको हम नाम देते हैं sorbitol, ठीक। तो अगर हम reduction करते हैं glucose की sodium amalgam के साथ, what is the product we obtain? We obtain the reduced product, and that is what we call as sorbitol. Sorbitol is simply a hexahydric alcohol, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं नंबर सेकंड दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, और वो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या बताया था हमने, इफ यू रिमेंबर वी सेड दैट वी कैन रिड्यूस ग्लूकोज बाय ट्रीटिंग इट विद हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक, हाइड्रोजन आयोडाइड। सो नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी इसकी, नंबर सेकंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक, in presence of red phosphorus. So this mixture again acts as a reducing agent, ठीक है। तो अगर हम glucose की reaction अगर करते हैं किसके साथ, we treat it with hydrogen iodide in presence of red phosphorus at a temperature of 393 Kelvin, ठीक, again the glucose gets reduced, ये रिड्यूस हो जाएगा, and it gives us a mixture of two compounds, ठीक। Number one is you get this species CH3, CH2, 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 CH3, this is N-hexane plus we get some amount of this chemical species CH3, CH2I, CH2, 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 CH3, ठीक, and this is what we call as 2-iodohexane, ठीक है। So reduction हम कर सकते हैं by using sodium amalgam mixture, and we'll be getting sorbitol, and if you are reducing glucose with hydrogen iodide in presence of red phosphorus, the products will be N-hexane and 2-iodopropane, ठीक। इसी तरीके से एक और reaction glucose show करता है, that is acetyl group हम इसमें introduce कर सकते हैं, ठीक है। और acetylation हम कैसे करते हैं, we carry out this acetylation in presence of acetic anhydride. So जब glucose की reaction acetic anhydride के साथ करवाते हैं, वहाँ पे acetylation होती है, acetyl group इसके अंदर introduce हो जाता है, ठीक। And what you obtain is वहाँ पे 5 OH groups जो present होते हैं, वो acetic anhydride के साथ react करके 5 acetyl groups को introduce करवाते हैं, ठीक है ना। और जो product आपको मिलता है, you call that as glucose pentaacetate, ठीक। सो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हमें मिलेगा बाय कैरिंग आउट द एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक।
So the reaction will be simple. CHO, you have glucose. You treat this glucose with 5 moles of CH3C11O, OC11OCH3. This is our acetic anhydride. ठीक? Acetic anhydride. तो क्या होगा? किसी भी OH group से H निकलेगा और यहां से ये वाला group निकलेगा. ठीक? तो acetic acid CH3COOH molecule बाहर चला जाएगा. And this acetyl group, it will be introduced. ठीक? तो यहाँ पे 5 ester linkages हमें मिलेंगे. ठीक? So the product will be product होगा ऐसे CHO CH OH में से oxygen उधर ही रहेगा. So I can show it like this CHO this oxygen and this CH3CO will be introduced. C double bond O CH3. ठीक? तो ये चार OH के साथ रिएक्ट करके चार एसिटाइल ग्रुप्स लिंक हो जाएंगे और लास्ट पे जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक? यू कॉल दिस केमिकल स्पीशीज एज ग्लूकोस पेंटा एसिटेट. ग्लूकोस पेंटा एसिटेट. ग्लूकोस पेंटा एसिटेट. ठीक? सो एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोस विल गिव ग्लूकोस पेंटा एसिटेट. ठीक? ऑक्सीडेशन. ठीक? सो अगर हम ग्लूकोज की माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है और अगर हम उसकी स्ट्रांग ऑक्सीडेशन करते हैं हमें ग्लूकारिक एसिड मिल जाता है. ठीक? तो अगर हम सबसे पहले देखें नंबर वन माइल्ड ऑक्सीडेशन. माइल्ड ऑक्सीडेशन. माइल्ड ऑक्सीडेशन यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4. KMnO4 के साथ अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं ठीक तो वहां पे क्या मिलता है हमें ग्लूकोनिक एसिड. ठीक? हमारे ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH ग्रुप में. ठीक? सो इफ यू हैव ग्लूकोज ग्लूकोज है तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम माइल्ड ऑक्सीडेशन using KMnO4 as the mild oxidizing agent. Okay? So what will this oxidizing agent KMnO4 do? It will just oxidize aldehyde group. इनको ये ऐसे ही रखेगा क्योंकि इसकी oxidation faster होगी, preferential होगी. ठीक है ना? So this will get converted to COOH. So you'll get this thing. आपको ये compound मिल जाएगा. ठीक? Carboxylic acid will be introduced and this is what you call as gluconic acid. Gluconic acid. ठीक? On the other hand, if we carry out the strong oxidation, ठीक है? अगर हम इसकी क्या करें? Strong oxidation. मतलब oxidation करवाए in presence of strong oxidizing agents. ठीक? So number second, oxidation with strong oxidation. Strong oxidation. Strong oxidation किसके साथ? In presence of HNO3, nitric acid. If you will oxidize glucose with nitric acid, what will happen? Nitric acid जो कि stronger oxidizing agent है, तो ये क्या करेगा? ये aldehyde group के साथ साथ इन alcohol इन में से secondary और primary alcoholic group में से primary alcoholic group को भी oxidize कर देगा to COOH. ठीक? So this will get converted to COOH and the primary alcoholic group will also get converted to COOH. Secondary alcoholic groups की rate of oxidation बहुत ही कम होती है, इसीलिए preferentially एक तो aldehyde group की oxidation होगी और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी. तो बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा लेकिन इस वाले केस में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेशन में क्या होगा? नीचे वाला CH2OH ग्रुप जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा. ठीक? और इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम है यू कॉल दिस एज ग्लूकारिक एसिड. यू कॉल दिस ग्लूकारिक एसिड और इसको हम एक और नाम भी देते हैं. क्या बताया था हमने? सैक्रिक एसिड. ग्लूकारिक एसिड और सैक्रिक एसिड. ठीक? फाइन. इसी तरीके से एक और रिएक्शन भी हमने इसकी दिखाई थी, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट और रिएक्शन विद बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन और फैलिंग सॉल्यूशन. ठीक? सो नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट. टॉलेंस रिएजेंट और
बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन और फैलिंग्स सॉल्यूशन, फैलिंग्स सॉल्यूशन. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट फैलिंग्स सॉल्यूशन इज, व्हाट बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन इज एंड व्हाट टॉलन्स रिएजेंट इज. ठीक है, तो अगर आपको याद हो हमने बताया था कि टॉलन्स रिएजेंट जो होता है इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और इसके अंदर सिल्वर आयन प्रेजेंट होता है. बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन इज a solution of cupric citrate, इसमें copper 2 positive ions होते हैं. Fehling solution, दो substances का mixture होता है, Fehling A which is copper sulfate and Fehling B which is sodium potassium tartarate, जिसको Rochelle salt भी हमने कहा था. ठीक है, और Fehling A और Fehling B को हम equal proportion में mix करते हैं तो वहाँ पे एक deep blue color का solution हमें मिलता है जो basically बनता है because of cupric tartarate. ठीक है, so बेनेडिक्ट्स और फैलिंग सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयंस होते हैं और टॉलन्स रिएजेंट में सिल्वर आयन प्रेजेंट होता है. ठीक, सो इफ यू ट्रीट ग्लूकोज विद टॉलन्स रिएजेंट, सो टॉलन्स रिएजेंट में आपको क्या मिलेगा, टॉलन्स रिएजेंट इज बेसिकली AgNH3 होल टूवाइस OH. सो यू हैव Ag पॉजिटिव आयंस हियर. ठीक, तो ये Ag पॉजिटिव आयंस को किसमें रिड्यूस कर देता है, टू Ag, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इसकी ऑक्सीडेशन होती है और Ag पॉजिटिव को रिड्यूस करता है. ठीक, तो प्रोडक्ट्स में आपको क्या मिलेगा, आपको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा विच इज ग्लूकोनिक एसिड. ठीक, ग्लूकोनिक एसिड प्लस Ag पॉजिटिव जो है इट विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट एज मेटालिक सिल्वर. दैट मींस यहां पे Ag प्रेजेंट था, Ag पॉजिटिव यहां पे Ag एलिमेंटल स्टेट में आ गया, दैट मींस इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसकी रिडक्शन हो गई और ग्लूकोज खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड. ठीक, एंड हमने बताया था कि जो स्पीशीज, जो मोनोसैकेराइड्स या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स टॉलरेंस रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको हमने रिड्यूसिंग शुगर का नाम दिया था, एंड वी कैन सिंपली से दैट ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. ठीक, सिमिलरली अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ करें या फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करें, उसमें जो हमारे काम की चीज होती है दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस. ठीक, तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस को किसने रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है टू ग्लूकोनिक एसिड और CU2 पॉजिटिव आयंस को रिड्यूस कर देता है टू CU पॉजिटिव. ठीक है, इनफैक्ट वहां पे जो आपको कंपाउंड मिलता है दैट इज CU2O. CU2O में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव. ठीक, और इस कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो ब्रिक रेड कलर का होता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट. ठीक, सो दिस इज हाउ ग्लूकोज कैन रिड्यूस टॉलन्स रिएजेंट एंड इट कैन रिड्यूस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फैलिंग्स सॉल्यूशन. ठीक है, सिमिलरली कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस शो करता है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो ग्लूकोज शो करता है दैट इज इट्स रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन. ठीक, तो फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू रिमेंबर NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं. तो हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजन कैसे बनेगा, हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किससे, बेंजीन रिंग से, फिनाइल ग्रुप से. ठीक है ना, सो C6H5 दिस इज व्हाट वी कॉल एज फिनाइल हाइड्रोजन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट इट लाइक दिस, NH2 सिंगल बॉन्ड NHPH, pH का मतलब होता है फिनाइल. ठीक, नाउ व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रोजन द प्रोडक्ट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजोन. ठीक, उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजोन. ठीक, तो हाइड्रोजोन कैसे बनता है, आई विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज योर एल्डिहाइडिक ग्रुप अगेन, देन यू हैव CHOH होल 4 CH2OH. ठीक, इफ इट ट्रीटेड विद, अब यहां पे ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर हम इसको 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन लाइक दिस, NH2 सिंगल बॉन्ड NHPH. ठीक, सो दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, इसमें से ऑक्सीजन, इसमें से वाटर निकल, वाटर बाहर चला जाएगा. ठीक, हम मैकेनिज्म नहीं दिखा रहे हैं, हम जनरल में ओवरऑल रिएक्शन दिखा रहे हैं, वाटर बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो वाटर अगर बाहर चला गया व्हाट विल हैपन, ये कार्बन अब डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ. ठीक, सो द प्रोडक्ट विल बी CH डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NHPH. ठीक, सिंगल बॉन्ड CHOH
4 times CH2OH. ठीक, दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्राजोन, हाइड्राजोन. सो सिंपली वी विल रिमेंबर दैट व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद वन मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज एंड दिस इज नोन एज हाइड्राजोन. इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्राजोन का नाम देते हैं. ठीक है, लेकिन अगर इसी ग्लूकोज को हम एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, एक स्पेशल कंपाउंड मिलता है जिसको हम ओसाजोन के नाम से जानते हैं. ठीक है, सो ओसाजोन कैसे बनता है, ओसाजोन कैसे बनता है, विल सिंपली शो द रिएक्शन. ठीक, सो विल नोट दैट नंबर सेकंड पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इन एक्सेस ऑफ, इन एक्सेस, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन. ठीक है, सो इफ यू आर ट्रीट taking excess of phenylhydrazine, what happens there, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दो moles of phenylhydrazine link हो जाते हैं to the glucose. ठीक, and the structure obtained is like this, CH double bond N single bond NH PH. ठीक, जैसे phenyl, जैसे hydrazone में था. ठीक, इसी तरीके से single bond C double bond N single bond N H PH. ठीक, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच, नाउ इट विल बी थ्री टाइम्स ओनली सी एच टू ओ एच. ठीक, सो दिस डाइहाइड्राजोन इज व्हाट वी कॉल एज ओसाजोन. ठीक, ग्लूकोज ओसाजोन. ठीक है, सो ओसाजोन हमें कब मिलता है, ओसाजोन मिलता है जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ करवाते हैं. ठीक, प्लस वहां पे बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, प्लस यू गेट, एक तो आपको एनिलीन मिल जाता है C6H5NH2. ठीक, प्लस अमोनिया एज बाई प्रोडक्ट. ठीक है, रिमेंबर हियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक, क्योंकि मैकेनिज्म यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कभी पूछा जा सकता है कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज इन फिनाइल हाइड्राजीन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स. ठीक, सो इफ देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ दिस फिनाइल हाइड्राजीन, ओनली वन मोल, यू गेट हाइड्राजोन. बट इफ यू आर ट्रीटिंग glucose with the excess of phenylhydrazine, you get osazone. And osazone is basically a dihydrazone. ठीक है ना, it is a dihydrazone. ठीक, इसी तरीके से next एक और important reaction है glucose की, that is its reaction with methanol. Next reaction, reaction with methanol. Methanol. That is CH3OH in presence of HCl. In presence of HCl. ठीक, so if we treat glucose with CH3OH, methanol के साथ इसकी reaction करवाएंगे. ठीक, in presence of HCl. ठीक है, तो जो product हमें मिलता है उस product को हम नाम देते हैं glucoside. Glucoside. ठीक, so what is a glucoside? ग्लूकोसाइड बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद वन मोल ऑफ मेथनॉल इन प्रेजेंस ऑफ HCl. ठीक, सो रिएक्शन ऐसे होती है, अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखें ग्लूकोज का, लाइक दिस, इफ आई राइट इट लाइक दिस, दिस इज OH, H, तो मैं कौन सा दिखा रहा हूं, OH नीचे कार्बन नंबर वन पे, दैट मीन्स इज अल्फा डी ग्लूकोज, देन you have OHH, then HOH, OHH, HCH2OH. This is our glucose, alpha-D glucose. Alpha-D glucose. And if you treat it with CH3OH, I can write it like this, CH3OH. ठीक है? CH3OH, ठीक? So, यहाँ पे क्या होता है? ये जो कार्बन नंबर वन है ग्लाइकोसाइडिक कार्बन, ठीक, जिसको हमने ग्लाइकोसाइडिक कार्बन बोला था या एनोमेरिक कार्बन बोला था, इस ग्लाइकोसाइडिक कार्बन पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, उस OH में से ये H बाहर निकाल देता है, यहां से इस तरीके से होता है, यहां से OH बाहर निकलता है और यहां से H बाहर निकलता है. ठीक, OH यहां से, H यहां से बाहर चला गया. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl बेसिकली रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है. ठीक है ना, सो OH बाहर निकला, H के साथ वाटर के फॉर्म में, माइनस H2O. ठीक,
तो यहां पे जो लिंकेज होगा वो किसके साथ अब होगा OCH3 के साथ, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, दिस इज हियर H एंड हियर यू हैव OCH3, OH, H, then HOH, OHH, H and CH2OH, ठीक है। इस स्पीशीज को जिसमें ग्लाइकोसाइलिक कार्बन के ऊपर OH की जगह पे OCH3 ग्रुप लगा हो, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड, ठीक, वी कॉल इट एज ग्लूकोसाइड, ठीक है। नाउ यहां पे एक और चीज अब देख लीजिए जो कि आगे हमें कहीं किसी जगह पे जरूरत लग सकता है, जरूरत पड़ सकती है उस चीज की। अगर मैं आपसे ये कहूं, हमने लास्ट लेक्चर में समझाया था ना कि ये वाला कार्बन जो है दिस इज अ हेमी एसिटाइलिक कार्बन, ठीक, और हेमी एसिटाइलिक कार्बन क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, हेमी एसिटाइलिक कार्बन पे क्या होता है, R ग्रुप होता है, H ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है एंड OR ग्रुप होता है, ठीक है ना, क्लियर। नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, दिस कार्बन इट कंटेन्स एन H, इट कंटेन्स OH, it contains this alkyl R group and it contains this yahan se OR group, theek hai na, so it is a hemiacetic carbon, already humne explain kiya hua hai, fine। uske baad number second thing, now agar aap is hemiacetic se is hemiacetic carbon ki reaction karte ho methanol ke sath ya alcohol ke sath, ek aur alcohol molecule ke sath, ek aur alcohol molecule ke sath, theek hai, तो वहां पे क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे यहां पे रिएक्शन हो रही है OH H के साथ बाहर चला जाएगा, यू विल गेट दिस R H OR एंड OR, ठीक है, इसको हम एसिटल कहते हैं, ठीक, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एसिटल, ठीक है। सो हेमी एसिटल की रिएक्शन जब वन मोल ऑफ एथेनॉल अल्कोहल के साथ होगी इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, और एसिटल की पहचान, हेमी एसिटल की पहचान क्या है, कार्बन के साथ R, H, OH and OR, एसिटल की पहचान क्या है, कार्बन के साथ R, H, 2 moles of alkoxide ion, ठीक है ना, 2 moles of OR, ठीक है। Now if you look at this, this is a hemiacetic carbon here, glycosidic carbon, तो जब आपने इसकी रिएक्शन मेथनॉल के साथ की, वहां पे आप देख लीजिए, अब यहां पे जो हमारा hemiacetic carbon था, अब इस कार्बन के ऊपर क्या क्या आ रहा है, R group, H group, यहां से OR group और यहां से OR group, ठीक है। So that means जब भी ग्लाइकोसाइडिक कार्बन रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो वहां पे वो हेमी एसिटल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल में, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, क्लियर, ठीक है। और अगर हमारा ग्लूकोज हेमी एसिटल से एसिटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक, तो हमने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या होता है, हेमी एसिटल होता है, रिड्यूसिंग शुगर्स हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अगर हेमी एसिटल एसिटल में कन्वर्ट हो गया, नाउ एट दैट टाइम इसका जो ये हेमी एसिटाइलिक कार्बन है ये ब्लॉक हो गया क्योंकि ये एसिटल में कन्वर्ट हो गया, नाउ एट दैट टाइम इट विल नॉट रिएक्ट विद द टॉलन्स रिएजेंट, ये टॉलन्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक। तो कुल मिला के बात ये है कि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन मेथनॉल के साथ करते हैं वी गेट ग्लूकोसाइड, एंड ग्लूकोसाइड बेसिकली क्या होता है, एक एसिटल होता है, और ग्लूकोज किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हेमी एसिटल में, हेमी एसिटल फॉर्म में ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर का काम करेगा और ग्लूकोसाइड जो है इट विल नॉट एक्ट एज द रिड्यूसिंग शुगर, क्लियर हो गई बात। ये चीज हमें आगे भी जरूरत लगेगी जब हम सक्रोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पे भी हम यही स्टेटमेंट फिर से रिपीट करेंगे, ठीक। इसी तरीके से एक लास्ट एक रिएक्शन है, सो लास्ट एक रिएक्शन हम दिखाएंगे यहां पे जो ग्लूकोज शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज, इसका नाम थोड़ा बड़ा है, लॉबरी डी ब्रॉइन वैन एकिनिस्टीन रीअरेंजमेंट, एकिनिस्टीन रीअरेंजमेंट, लॉबरी डी ब्रॉइन वैन एकिनिस्टीन रीअरेंजमेंट, ठीक है। हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यहां पे शो नहीं करेंगे, वी विल सिंपली रिमेंबर कि इस रीअरेंजमेंट में होता क्या है, ठीक है। इस रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, इफ वी ट्रीट ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं
विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस के अंदर डाल देते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ग्लूकोज अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज आइसोमेराइजेशन शो करता है, ठीक है ना, ये आइसोमेराइजेशन शो करता है। आइसोमेराइजेशन का मतलब ये अपने आइसोमर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। एंड ड्यू टू दिस रीअरेंजमेंट, यहां पे रीअरेंजमेंट ऐसे होती है दैट यू गेट अ मिक्सचर ऑफ थ्री आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्या क्या, एक तो आपको ग्लूकोज मिलता है, ठीक, उस मिक्सचर में क्या होता है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है और उस मिक्सचर में मैनोज भी प्रेजेंट होता है और उस मिक्सचर में फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ थ्री आइसोमर्स, डी ग्लूकोज, डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट वी कॉल एज लॉब्री डी ब्रॉइन वैन एंकेस्टीन रीअरेंजमेंट, ठीक है। सो यू रिमेंबर दैट अगर हम ग्लूकोज के अंदर क्या डाले, ग्लूकोज के सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दे, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन हमारा जो है अब वो सिर्फ ग्लूकोज नहीं रहेगा, उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगी और हमारा ग्लूकोज इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज एंड मैनोज। सो आवर सॉल्यूशन विल कंटेन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। दिस रीअरेंजमेंट इज व्हाट वी कॉल एज लॉब्री डी ब्रॉइन rearrangement, ठीक? Same is true with fructose and same is true with mannose. Means अगर आप fructose के solution में भी क्या डालते हैं, dilute sodium hydroxide, fructose भी rearrange हो जाएगा and it will give a mixture of fructose, mannose and glucose. Similarly अगर आपने mannose का solution बनाया, उसके अंदर dilute sodium hydroxide आप डाल रहे हो, तो mannose भी क्या हो जाएगा, rearrangement and the solution will contain fructose, mannose and glucose, ठीक है? So now we'll be discussing fructose. Fructose के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो fructose की अगर हम बात करें, fructose का molecular formula जो है C6H12O6, बिल्कुल glucose की तरह इसका molecular formula है, ठीक है। Number second thing, अगर हम glucose की बात करें, we know glucose के अंदर aldehyde group present होता है, glucose एक aldose sugar है और fructose जो है ये एक ketose sugar है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिस तरीके से बेयर ने इसका स्ट्रक्चर फाइंड किया था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फाइंड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन केमिकल टेस्ट्स एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट ग्लूकोज कंटेन्स एन एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड इट कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट्स, केमिकल रिएक्शंस, फ्रक्टोज का जब स्ट्रक्चर देखा गया, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के अंदर पाया गया कि इसके अंदर एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इफ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक। नंबर सेकंड, इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, बट आउट ऑफ द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो होते हैं दे आर प्राइमरी, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक। जैसे ग्लूकोज में 1 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के अंदर 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं और 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। केमिकल टेस्ट्स के बेसिस पे इसका पता चला कि कीटोनिक ग्रुप के साथ साथ इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें, ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, टॉप पे CH2OH ग्रुप व्हिच इज अ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, सिंगल बॉन्ड, कार्बन नंबर सेकंड पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर थर्ड पे HOH ग्रुप होता है, कार्बन नंबर फोर पे फिर से CHOH, फाइव पे CHOH और सिक्स पे CH2OH, ठीक। सो इफ यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इट हैज 6 कार्बन एटम्स, C6, हाइड्रोजन 12 है, 2+1=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ऑक्सीजन भी 6 है, 1, 2, 3, 4,
5 and 16. So in its structure you can find out it contains a ketonic group at carbon number 2nd. This is a primary alcoholic group, another primary alcoholic group, and these two are, these three are secondary alcoholic groups. Now if you look at its Fischer projection formula, so Fischer projection formula mein in OH groups ki ka arrangement, special arrangement kya hota hai, let's have a look. So iske Fischer projection formula mein top pe kya hoga, ek CH2OH group hoga, then it has a C double bond O, then isme teen chiral carbons hai. This is a chiral center, another chiral center, another chiral center. So in chiral centers pe jo carbon number 3 hai, carbon number 3 pe OH group is on the left side. Carbon number 4 pe OH on the right side, carbon number 5 pe bhi OH is on the right side, and carbon number 6 pe CH2OH group ek aur hota hai. So jaise glucose mein humne dekha tha carbon number 3rd pe OH group left side mein hota hai, baki OH is right side mein hote hain chiral centers pe. Fructose ke andar bhi teesre carbon pe OH group kahan pe hota hai, left hand side pe. Baat samajh rahe hain aap, theek hai na? So this is the Fischer projection formula of fructose. Theek, now jab fructose ke bare mein further study ki gayi, it was found that just like glucose, jaise glucose ke do crystalline structures हमें मिलते हैं, उसके दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फ्रक्टोज का जो फ्रक्टोज जो होता है उसके अंदर भी दो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं. ठीक, मतलब इट वाज लेटर ऑन सजेस्टेड दैट फ्रक्टोज जो होता है वो भी साइक्लिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है. उसके भी दो साइक्लिक फॉर्म्स होते हैं, एक अल्फा फ्रक्टोज एंड दूसरा बीटा फ्रक्टोज. ठीक है, नाउ उससे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि ये फ्रक्टोज जो मैंने यहां पे दिखाया, does it belong to D series or it belongs to L series? ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लास्ट बट वन कार्बन देखना है. लास्ट बट वन कार्बन पे OH ग्रुप कहां पे है, राइट हैंड साइड पे. सो इट ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू द D series ऑफ दिस स्टीरियोआइसोमर्स. ठीक है, नाउ सो दैट मींस आई कैन कॉल दिस एज D फ्रक्टोज. इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, D फ्रक्टोज. ठीक, तो अब अगर हम इनकी ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें, दैट मींस कि इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. ठीक है, अब ये क्या कैसे रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जैसे डी ग्लूकोज को हमने बताया था कि नेचुरली जो ग्लूकोज डी ग्लूकोज हमें मिलता है वो राइट साइड की तरफ रोटेशन करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ मोड़ता है, दैट इज इट वाज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. बट अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज जो होता है नेचुरली वो क्या करता है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है. दैट मींस फ्रक्टोज बाय डिफॉल्ट इट इज a levo rotatory substance. ठीक है, so levo rotatory के लिए हम कौन सी term use करते हैं, कौन सी sign use करते हैं, we use negative sign. So I can call this compound as D minus fructose as well. ठीक, D minus fructose. बात समझ रहे हैं? ठीक है, now उसके बाद हम move करते हैं इसके cyclic structure की तरफ. ठीक है, so अगर हम इसके cyclic structure को draw करें तो इसमें cyclization कैसे होती है, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही हमने बताया था, जैसे ग्लूकोज में इंटरनल हेमीएसिटल फॉर्मेशन होता है वैसे ही इसके अंदर भी इंटरनल हेमीएसिटल फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एक कार्बोनिल ग्रुप है और बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक, इनफैक्ट हेमीएसिटल की बजाय वी कॉल इट एज हेमीकेटन. ठीक है, क्योंकि यहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक, नाउ ये OH भी इस पे अटैक कर सकता है, ये OH भी अटैक कर सकता है, ये OH भी अटैक कर सकता है. ठीक, सो जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है, यू रिमेंबर दैट फ्रक्टोज के अंदर जो ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 5 पे जो OH ग्रुप है ये इसके ऊपर अटैक करता है. ठीक, कार्बन नंबर 5 वाला OH ग्रुप इसके ऊपर अटैक करके एक इंटरनल साइक्लिक हेमीकेटल सब्सटेंस बना देता है. ठीक है, तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा बिल्कुल जैसे ग्लूकोज में हमने किया था, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेगा. ठीक, नाउ व्हेन दिस OH ग्रुप अटैक्स हियर, इट बीइंग प्लेनर इन नेचर, अटैक कैन आइदर टेक प्लेस ऑन द फ्रंट साइड और ऑन द बैक साइड. अगर फ्रंट साइड में हुआ तो वहां पे OH ग्रुप जो यहां पे आएगा वो राइट साइड में रहेगा, और अगर बैक साइड अटैक हुआ तो लेफ्ट साइड में रहेगा. दैट मींस दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, आइदर OH group will be present on the right side or OH group will be present on the left side. ठीक, तो अगर हम इनके cyclic structures को देखें उनका arrangement कैसा होगा, let's see
लेट्स सी टू दैट. नंबर वन, हमने बताया कि ये OH ग्रुप इस पे अटैक करेगा, ठीक है. तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ठीक, आई बी शोइंग दिस कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, दिस इज अ कार्बोनिल कार्बन, ठीक है. इस कार्बोनिल कार्बन पे ऑलरेडी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH2OH, और ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH में. वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विल बी दैट कि OH विल बी ऑन द राइट साइड एंड CH2OH ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक. अनदर पॉसिबिलिटी कैन बी OH ऑन द लेफ्ट साइड एंड CH2OH ऑन द राइट साइड, ठीक है. सो पहली पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं हम. तो यहां पे मैं दिखा रहा हूं कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, ठीक. तो ये कौन सा कार्बन है, दिस इज कार्बन नंबर 2, नॉट द कार्बन नंबर 1, ये वाला कार्बन, ठीक. सो दिस इज कार्बन नंबर 2. इस कार्बन नंबर 2 के साथ पहले ही एक कार्बन नंबर 1 लगा हुआ है, CH2OH, CH2OH, समझ रहे हैं. तो मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, ये ब्रेक हो गया टू ऑक्सीजन ओ नेगेटिव, जिसने इसका हाइड्रोजन ले लिया OH, OH ऑन द राइट साइड एंड अनदर लिंकेज इट फॉर्म्स विद CH2OH, ठीक, दैट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाले जो कार्बन नंबर 3 है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा. कार्बन नंबर 3 पे H इधर, OH इधर, ठीक. कार्बन नंबर 4 पे भी कोई असर नहीं होगा, कार्बन नंबर 4 पे भी कोई असर नहीं होगा, OH यहां पे, H यहां पे. 5 पे भी कोई असर नहीं होगा, OH इधर और H इधर, ठीक. सॉरी, 5 की अगर हम बात करें, 5 पे एक तो H है और ये OH है. इसने किसमें हिस्सा लिया, साइक्लाइजेशन है. तो दैट मींस ये वाला ऑक्सीजन जो है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, जरा देख लीजिए, कार्बन नंबर 2 के साथ. सो दिस ऑक्सीजन विल बी फॉर्मिंग बॉन्ड विद दिस कार्बन नंबर 2, ठीक है. नाउ इस कार्बन नंबर 5 के पास क्या है, H, तो ये H है. इस ऑक्सीजन ने हेमिकेटल बनाया, एस्टर लिंकेज बनाया, दिस हेमिकेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक, साइक्लिक हेमिकेटल फॉर्म में, इसी तरीके से. और इसके साथ क्या लगा है, CH2OH, ठीक है. सो दिस विल बी वन ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है. इसी तरीके से दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो इसमें पॉसिबल है वो क्या होगा, फिर से यही कार्बन हम कंसिडर करेंगे, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2, ठीक. अब इस कार्बन नंबर 2 पे क्या क्या लिंक है, CH2OH, एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा टू OH. वी सेड दैट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, और उस पॉसिबिलिटी में OH कहां पे होगा, लेफ्ट साइड में. राइट साइड पे क्या होगा, CH2OH, ठीक. और जो बाकी बाकी जो यहां पे कार्बन एटम्स होंगे उन पे कॉन्फिगरेशन बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक. सो दिस इज कार्बन नंबर 2, 1, this is 3, this is 4, and carbon number 5. तो carbon number 5 की अगर हम बात करें, उस पे जो oxygen होगा, वो किसके साथ linked होगा? That will be linked to the carbon number 2, और यहाँ पे होगा CH2OH, ठीक है? So both of these cyclic structures जो हमने यहाँ पे दिखाए, और इनमें आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है? एक internal hemiketal formation हो रही है, ठीक है ना? Now, अगर आप इस structure और उस structure को देखें, तो इन दो structures में सिर्फ यहाँ पे आपको difference नजर आएगी, carbon number 2 पे, इधर, इस पे, carbon number 2 पे, and the difference is that, in this species, OH group is on the left side, और इस वाले केस में OH कहां पे है, OH ऑन द OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, ठीक. तो जिसमें OH राइट साइड में होगा उस साइक्लिक फॉर्म को हम अल्फा फॉर्म कहते हैं. सो वी कॉल दिस एज अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज. और जिस वाले में OH लेफ्ट साइड पे है वी विल कॉल दिस एज बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक. अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है. और अगर आपको याद होगा जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का, फिर मैंने बताया था ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलता है. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, पाइरॉन, ठीक है ना, विच वाज अ 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक. अब अगर आप फ्रुक्टोज की बात करें, फ्रुक्टोज भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया. अब अगर आप इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखें, इसमें कितने मेंबर्स हैं, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा ये कार्बन, चौथा ये कार्बन, पांचवा ये कार्बन, ठीक. तो रिंग कितने मेंबर्स की बन रही है, 5 मेंबर रिंग, ठीक है ना. और उस 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन भी वन ऑफ द एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना. नाउ इफ वी लुक एट दिस 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स एन ऑक्सीजन एज वन ऑफ द एटम्स, ठीक है ना, एंड इफ वी कंपेयर इट विद दिस स्पीशीज, अगर
अगर हम इसको इस स्पीशीज के साथ कंपेयर करें, इसमें भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 चार चार कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 और पांचवा कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक, सो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है इट इज कॉल्ड एज फ्यूरॉन, इसको फ्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, नाउ इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की रिजेंबलेंस किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है, फ्यूरॉन के साथ। ठीक, इसीलिए इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम फ्यूरानोस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, जैसे ग्लूकोज में हमने बोला था पाइरानोस फॉर्म, वैसे ही फ्रक्टोज के अंदर आप याद रखेंगे कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर फ्यूरॉन की तरह मैच करता है, विच इज अ 5-membered साइक्लिक रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिंग। ठीक, सो इसीलिए हम इस फॉर्म को, इस साइक्लिक फॉर्म को दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज फ्रक्टो फ्यूरानोस। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो गिव अनदर नेम अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस, फ्रक्टो फ्यूरानोस, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस। ठीक, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस। ठीक है ना, सो इन दिस वे वी हैव discussed the structure of fructose and we will conclude it like this. Fructose exists karta hai as an equilibrium mixture of open chain and two cyclic structures. Two cyclic structures jo hai, one is alpha, another is beta. Theek? और क्योंकि इनकी resemblance furan के साथ है, हम इनको furanos form भी बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, अब इसी तरीके से हम इसका हैवर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो वी विल डिस्कसिंग द हैवर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक, हैवर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला, स्ट्रक्चर्स को मैं ऐसे ही रखूंगा क्योंकि इसका हैवर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, हैवर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमने ग्लूकोज के लिए क्या बताया था, हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हेक्सागोनल, यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे अब चूंकि 5 मेंबर की रिंग है, हम एक 5 मेंबर रिंग बनाएंगे लाइक दिस विद ऑक्सीजन एज वन ऑफ द एटम्स एंड ऑक्सीजन विल बी एट दिस, इन दिस केस इसको हम टॉप पे दिखाते हैं लाइक दिस। ठीक, सिमिलरली हर कोई कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो 2 बनाए हैं साथ में और 2 बॉन्ड्स बनाएंगे लाइक दिस। ठीक, क्लियर। अब अगर मुझे अल्फा वाले स्ट्रक्चर्स को दिखाना है या बीटा वाले स्ट्रक्चर को दिखाना है, वहां पे हैवर्ट प्रोजेक्शन का रूल क्या हमने देखा था कि जो भी ग्रुप्स राइट साइड में लाइक करते हैं वो नीचे दिखाई देंगे और जो ग्रुप्स लेफ्ट साइड पे लाइक करते हैं उनको ऊपर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका हैवर्ट प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीजन एंड इट इज लिंक्ड टू दिस वन, दिस इज कार्बन नंबर 2, आई कॉल इट एज C2, है ना, C2, दिस इज C3, this is C4, this is C5. ठीक है, now if you look at this one, carbon number 2, इस carbon number 2 पे right side में OH group है, तो वो OH कहां पे दिखाऊंगा मैं, नीचे। left side में क्या है, CH2OH यहां पे होगा, so this will be our carbon number 1, this is carbon number 2, carbon number 3, so carbon number 3 की अगर बात करें, right side में H, ऊपर आएगा OH, कार्बन नंबर 4 पे राइट साइड पे OH, OH नीचे H ऊपर, कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 5 पे यहां पे ध्यान दीजिए, कार्बन नंबर 5 पे क्या चीज प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 5 एक ऑक्सीजन के साथ लिंक है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन और CH2OH के साथ। ठीक, एंड बाय कन्वेंशन हमने क्या बताया था, H नीचे CH2OH को हम ऊपर दिखाते हैं like this, so this is our carbon number 6. ठीक है, this will be the Haworth projection formula for alpha d fructose. समझ रहे हैं आप? ठीक, इसी तरीके से अगर मुझे beta d fructose का Haworth projection बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम, we'll again show it like this. ऐसे दिखाएंगे हमने, हम इसको 5 member cyclic ring बनाएंगे और हर एक कार्बन के साथ हम 2 वर्टिकल लाइंस दिखाएंगे। अब इसमें जो कार्बन नंबर 2 है, दिस इज द कार्बन नंबर 2,
सी टू, इसमें राइट साइड में सी एच टू ओ एच है तो नीचे क्या होगा सी एच टू ओ एच, दिस विल बी बेसिकली आवर कार्बन नंबर वन, लेफ्ट साइड पे ओ एच तो ओ एच आएगा एट द टॉप, कार्बन नंबर थ्री पे एच नीचे ओ एच ऊपर, कार्बन नंबर फोर पे ओ एच नीचे एच ऊपर, कार्बन नंबर फाइव पे एच और सी एच टू ओ एच है सो बाई कन्वेंशन एच नीचे सी एच टू ओ एच ऊपर होगा, दिस विल बी द कार्बन नंबर सिक्स. ठीक, सो दिस रिप्रेजेंट्स द हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर बीटा डी फ्रक्टोज. ठीक है, अल्फा डी फ्रक्टोज ये होगा और बीटा डी फ्रक्टोज हमारा ये हो जाएगा. बात समझ रहे हैं आप? ठीक, सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. ठीक, सो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या देखा हमने, उसमें हमने देखा कि ये साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करता है. ठीक, मगर इसका जो मेजर पोर्शन है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द फ्यूरानोस फॉर्म. ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक,